हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Redmi Note 7S को फैक्ट्री रिसेट या फिर फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना होगा दोस्तों सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली ऑप्शन दिख जाएगा अबाउट फोन, और आपको यहाँ पर देखिए इसका मॉडल है Redmi Note 7S, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड है 10, और आपको देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको दिख जाएगा ऑप्शन फैक्ट्री रीसेट का और इरेज ऑल डेटा का। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन देखिए हाईलाइटेड नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 10 सेकंड तक वेट कीजिएगा, यहाँ पे सेकंड चलने लगेंगे, थोड़ा सा वेट करें और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक बार सेकंड चलेगा, तो आपको दो बार 10-10 सेकंड तक चलेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी ही देर बाद आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से प्रोसेस करेगा, और उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा या फिर फॉर्मेट हो जाएगा। रेडमी का लोगो दिखाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि आपका फ़ोन रेडमी के लोगो पे अटक गया है या फिर कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से रेडमी का लोगो आपको दिखेगा एज़ कम्पेयर टू पहले के। इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा दोस्तों। MIUI लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप फ़ोन को सेटिंग में जाकर फैक्ट्री रिसेट करते हैं, तो आपके फ़ोन में कोई भी गूगल अकाउंट लॉक या फिर यूं कहें FRP लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आपके पास Redmi का कोई भी फ़ोन है या फिर Redmi का Note 7S है, ठीक है, Redmi Note 7S है और उसमें FRP लॉक लग चुका है, गूगल अकाउंट लॉक लग चुका है, तो आप घर बैठे कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आपको सारी जगहों पर मिल जाएगा। आप बहुत ही ईजी तरीके से अपने फ़ोन की FRP को बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके Redmi Note 7S में पैटर्न लॉक लग गया है, पिन लॉक लग गया है, पासवर्ड लॉक लग गया है, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया गया है कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ोन की FRP को अनलॉक कर सकते हैं, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक को अनलॉक कर सकते हैं घर बैठे। एक भी रुपया किसी दुकानदार को देने की ज़रूरत नहीं, कहीं सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, इस मेथड से जो मैंने आपको इस फ़ोन इस वीडियो में दिखाया है और जो भी मेथड्स मैंने पहले बताए हैं, उस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होता है, जस्ट लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाता है, सब कुछ इरेज हो जाता है आपके फ़ोन से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे MIUI लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन केस ऑफ अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट मारते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार देते हो, ठीक है, अगर आप अपने Redmi, Xiaomi, MI, Poco के फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हो, तो आपका फ़ोन एज़ कम्पेयर टू पहले के थोड़ा सा फास्ट चलेगा, हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कुछ बहुत हद तक, और अगर आपका फ़ोन थोड़ा फ्रेश फील होगा और आपको चलाने में भी काफ़ी बेहतर फील होगा, और आपके फ़ोन से जो भी वायरस होंगे, अनवांटेड ऐप्स होंगे, सब कुछ चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और आपका फ़ोन पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे MI का लोगो, MIUI लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत,
स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि सेटअप करने का क्या प्रोसेस है। और अगर आपसे नॉट साइन इन लिखा हुआ आ रहा है, मान लीजिए आपने फ़ोन को फैक्ट्री सेट कर दिया ना कि हार्ड रिसेट कर दिया, सॉरी, अगर आपने हार्ड रिसेट कर दिया तो आपके फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है, नॉट साइन इन लिखा हुआ रहता है, उस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे या फिर उस प्रॉब्लम को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आगे आपको मैं बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और दोस्तों इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे उसके लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो ये भी आपका बड़प्पना है कि जो भी है बेहतर करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा वेट और कर लेंगे, फ़ोन को पूरी तरीके से आपको सेटअप करके दिखाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, और मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो में बताया है, कोई फालतू की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सेटिंग में ले जाकर, अबाउट फोन में ले जाकर, फैक्ट्री रिसेट की बटन पर ले जाकर फॉर्मेट करना सिखा दिया आपको। बहुत सारा कोई भी लंबा चौड़ा भाषण मैंने नहीं दिया, जो भी कुछ था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया मैंने कि पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप अपने रेडमी नोट 7 या से फिर रेडमी के लेटेस्ट फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें MIUI 12.5 हो या फिर 12.3 हो या फिर 12 हो, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहता है दोस्तों। MIUI का लोगो देखने के बाद घबराइएगा मत, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लग जाते हैं अगर आपका फ़ोन फैक्ट्री रिसेट होता है या फिर हार्ड रिसेट होता है तो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं हार्ड रिसेट क्या होता है और फैक्ट्री रिसेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा सेटिंग में गए हमने, अबाउट फोन में गए और वहाँ पर लिखा हुआ था कि फैक्ट्री रिसेट, ठीक है, तो वहाँ से हम जो करते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री रिसेट, ठीक है। और हार्ड रिसेट और फैक्ट्री रिसेट में अंतर क्या है, फैक्ट्री रिसेट तो आप तब कर सकते हैं जब आपके फ़ोन पूरी तरीके से खुला हुआ हो, ठीक है, और आप सेटिंग में जाकर फैक्ट्री, लेकिन हार्ड रिसेट अगर आपका फ़ोन लॉक है, आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, पिन लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, फेस लॉक लगा हुआ है, तो आप हार्ड रिसेट करके, ठीक है, हार्ड रिसेट करके अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन का लॉक भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, और आपके फ़ोन को, आपका फ़ोन फॉर्मेट भी हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 8 मिनट का समय हो चुका है, अब अप्रॉक्सीमेटली एक मिनट के अंदर ये फ़ोन खुल जाना चाहिए, और उसके बाद का प्रोसेस थोड़ी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इस वजह से अगर आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट करते हैं या फिर हार्ड रिसेट करते हैं तो कोशिश करें कि अपने फ़ोन को कम से कम 50% चार्ज करके रखें, उसके बाद ही आपका फ़ोन फैक्ट्री रिसेट करें आप, ठीक है। जस्टा सेक लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन आने के बाद आपको करना क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया, इसको बोलते हैं MIUI, ठीक है, तो ये देखिए MIUI 12.5, ठीक है, आपको सिंपली एरो बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, एरो बटन पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों, एंड थोड़ा सा और वेट करना है, उसके बाद आपसे पूछेगा, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सेटिंग रीजन मतलब उस कंट्री को सेट कर रहा है, ठीक है, इस फ़ोन किस कंट्री में चलाने के लिए कैपेबल है वो चेक कर रहा है वो, उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, एरो बटन पे क्लिक करना है, सिंपली स्किप बटन पे क्लिक करके एरो बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन आ गया है वाईफाई का, आपको वाईफाई, अगर ये देखिए ये स्किप का बटन वर्क नहीं कर रहा हो या फिर नॉट साइन इन का ऑप्शन लिखा हो, समझ जाना आपके फ़ोन में FRP लॉक लग चुका है, स्किप बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। स्किप बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, मोर, एक्सेप्ट,
इस तरीके से क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या हो सारा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझिएगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे जस्ट से क्लिक हुआ रहा तो परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बोला कोई लॉक लगाना चाहोगे अपने फ़ोन में, तो डोंट वरी, हमें कोई लॉक नहीं लगाना है। सिंपली यहाँ पे देखिए जो भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना है। एरो बटन पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ से बोला लॉन्चर क्लासिक पे ही रहने देंगे, सिंपली एरो बटन पे क्लिक कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने लॉन्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोडिंग एप्स आप देख पा रहे होंगे और आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस आपके रेडमी नोट 7S का फैक्ट्री रीसेट करने तक का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रेडमी के ऑलमोस्ट 60% फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मैंने 60% क्यों कहा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट MIUI 13 है 14 है उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग के चेंजेस हैं, बाकी प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन थोड़ी बड़ी सेटिंग के जो भी UI के चेंजेस हैं बस उस वजह से कुछ सेटिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही होता है दोस्तों। तो कुछ ये प्रोसेस है, ये तरीका है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट कर लेते हैं, कर पाते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो रही ही होगी और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि आप अपने रेडमी नोट 7S को फैक्ट्री रिसेट या फिर फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है दोस्तों। सिंपली थोड़ा सा वेट करेंगे, लोडिंग एप्स लिखा हुआ रहा है, वेट करना है और परेशान ना होइएगा दोस्तों, ठीक है। परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा वेट करना है, आपको पेशेंस आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आपको जल्दीबाजी में कुछ आप परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर आपका फ़ोन को ऑन होने में 5 मिनट का ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये नॉर्मल है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। जस्टा सेक लिखा हुआ रहा ना तो थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। जस्टा सेक लिखने के बाद आपके फ़ोन में आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका फ़ोन खुलेगा, देख लीजिए बूम, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है और पूरा एकदम स्क्रैच से, देख लीजिए, सॉरी, इस तरीके से आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट है। तो थैंक्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।